नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा और निकासी दोनों ही कारणों में आपको उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है तो आपको लिए यह खबर ध्यान से सुननी चाहिए। यह खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसे को जमा या फिर निकासी APS यानी कि आधार आधारित पेमेंट सिस्टम से निकासी या फिर जमा करते हैं तो उस पर अब अलग से चार्ज लेने का फैसला किया गया है। यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो हर महीने 4 बार आप निकासी फ्री में कर सकते हैं। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर मिनिमम 25 रुपया या फिर वैल्यू के आधार पर 0.50% चार्ज अलग से लगेगा। आपको बता दें कि बेसिक सेविंग अकाउंट में जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। पोस्ट ऑफिस के पास अगर सेविंग यानी कि बेसिक सेविंग अकाउंट छोड़कर या फिर करंट अकाउंट है तो 1 महीने में 25,000 रुपये तक निकासी फ्री है। लिमिट क्रॉस करने के बाद वैल्यू पर 0.50% या कम से कम 25 रुपये का ट्रांजेक्शन कर चुकाना पड़ सकता है। ऐसे अकाउंट में अगर जमा करने जाते हैं तो इसकी भी लिमिट है। हर महीने 10,000 रुपये तक फ्री में जमा किया जा सकता है। इससे ज़्यादा जमा करने पर वैल्यू में 0.50% या फिर कम से कम 25 रुपये का ट्रांजेक्शन चुकाना पड़ेगा। वहीं अगर हम आधार आधारित APS ट्रांजेक्शन की बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नेटवर्क पर अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन पूरी तरह से फ्री है। इसके साथ ही नॉन IPPB नेटवर्क पर भी 1 महीने में 3 ट्रांजेक्शन फ्री है। इसमें कैश जमा करना, निकासी करना और मिनी स्टेटमेंट निकालना शामिल है। इसके साथ ही ट्रांजेक्शन पर चार्ज कटेगा। फ्री लिमिट पूरा करने के बाद कैश जमा करने पर भी ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये लगेंगे। निकासी पर भी ट्रांजेक्शन चार्ज 20 रुपये रहेगा। इसके अलावा मिनी स्टेटमेंट निकालने पर भी चार्ज 5 रुपये रहेगा। फ्री लिमिट के बाद फंड ट्रांसफ़र करने पर भी ट्रांसफ़र चार्ज में अमाउंट में 1% मिनिमम 20 रुपया या फिर मिनिमम 1 रुपया आपको कट सकता है। ऊपर से जितना चार्ज बताया गया है उसके बाद उसमें GST भी शामिल किया गया है, यह अलग से लगेगा। इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से 1 मार्च से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ग्राहकों को इसकी सूचना मैसेज के द्वारा दी जा रही है। आइए अब जान लेते हैं क्या है APS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। APS नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI द्वारा विकसित एक सिस्टम है जो लोगों को आधार नंबर और उसके फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैन की मदद से वेरिफिकेशन करके माइक्रो ATM द्वारा वित्तीय ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है। इस पेमेंट सिस्टम की सहायता से लोग अपने आधार नंबर के जरिए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं और उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। यह वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए सुरक्षित भी है क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रांजैक्शन को अधिकृत करने के लिए खाताधारक के फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है। कौन ले सकता है इसकी सुविधा, यानी कि कौन है जो को APS की सुविधा ले सकता है? बता दें कि इस समय डाक विभाग पूरे देश में आपको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की सुविधा देता है, लेकिन यह सुविधा का फायदा सिर्फ वही ग्राहक ले सकते हैं जिनका खाता बैंक अकाउंट से लिंक है। वहीं उनका खाता इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट यानी कि IPPB में होना चाहिए। APS सर्विस के तहत डाक विभाग IPPB में जनधन खाता धारकों सहित किसी भी बैंक के ग्राहकों को इंटर ऑपरेबल डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। APS के माध्यम से हम यह सुविधा ले सकते हैं। आइए हम जानते हैं वो कौन कौन सी सुविधाएं जिसे हम ले सकते हैं। इसके तहत कैश विड्रॉल हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद बैलेंस की जानकारी हम आसानी से ले सकते हैं। इसके साथ ही आधार में जो फंड ट्रांसफ़र है उसे हम आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही हम मिनी स्टेटमेंट की जानकारी ले सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।